12 की प्रश्नावली 12.3 का सवाल ये बोल रहा है कि ये छायांकित भाग दिख रहा है जिसमें लाइन 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 पड़ी है, ये छायांकित भाग। इस छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसमें यहाँ पर छायांकित पड़ा हुआ है, लाइन 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 पड़ी है, उसका क्षेत्रफल यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। क्लियर? देखो, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या है। अब दो व्रत संकेंद्री व्रत है। संकेंद्री व्रत मतलब ऐसे व्रत जिनका एक ही केंद्र होता है, उस ऐसे व्रतों को हम क्या बोलते हैं, संकेंद्री व्रत कहते हैं। यहाँ पर इस छोटे वाले व्रत का केंद्र भी यहाँ पर ओ ही है, और यहाँ पर ये बड़े वाले व्रत का केंद्र भी क्या है, यहाँ पर हमारा ओ है। तो दोनों व्रत हमारे क्या है, संकेंद्री व्रत है। छोटे वाले व्रत की त्रिज्या कितनी है, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है, और बड़े वाले व्रत की त्रिज्या यहाँ पर कितनी है, 14 सेंटीमीटर दी गई है। यहाँ पर डालेंगे हम हल, और हल डाल के लिखेंगे यहाँ पर दिया है, यहाँ लिखेंगे माना दोनों संकेंद्री व्रतों की त्रिज्या है। माना दोनों संकेंद्री व्रतों की त्रिज्या है। सबसे पहले बड़े व्रत की त्रिज्या ले रहा हूं मैं, बड़े व्रत की त्रिज्या को मैंने R1 मान लिया, कितनी, 14 सेंटीमीटर R1। बड़े व्रत की त्रिज्या, बड़े व्रत की त्रिज्या, बड़े व्रत की त्रिज्या R1 बराबर कितनी ले ली यहां पर, 14 सेंटीमीटर ले लिए। बड़े व्रत की त्रिज्या R1 कितनी ले ली हमने, 14 सेंटीमीटर, और छोटे व्रत की त्रिज्या कितनी लेंगे, 7 सेंटीमीटर तथा छोटे व्रत की त्रिज्या R2 बराबर कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। बड़े व्रत की त्रिज्या हो गई 14 सेंटीमीटर, और छोटे व्रत की त्रिज्या कितनी हो गई यहाँ पर हमारी, 7 सेंटीमीटर हो गई। अब सिंपल सी बात यहाँ पर ये है कि हम बड़े व्रत के इस पूरे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लिए। बड़े व्रत के हमने क्या निकाल लिए, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लिए। इसके बाद हम छोटे व्रत के त्रिज्या खंड का हम क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और फिर उसके बाद बड़े वाले व्रत के त्रिज्या खंड में से छोटे वाले व्रत के त्रिज्या खंड को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो किसका निकल जाएगा, हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा। क्लियर? अब हम निकाल लेंगे बड़े व्रत के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। हम निकालेंगे तब त्रिज्या खंड ओ ए सी का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते, उसके लिए सिंपल क्या करेंगे हम, यहाँ पर पूरे व्रत का क्षेत्रफल कितना होगा, यहाँ पर पाई R1 स्क्वायर। बड़े व्रत की त्रिज्या R1 माने हमने, कितनी माने, R1 माने, इसलिए यहाँ पर R1 का वर्ग। और पूरा कोण कितना होता है एक बिंदु पर, 360। 360 में से हमारे कोण कितना है यहाँ पर, 40 डिग्री है, हर 40 डिग्री तो ऊपर कितना रखेंगे हम, 40 डिग्री, थीटा बटे 360 पाई R1 स्क्वायर। अब काटेंगे 0 0 गया, 4 एकम बटा 4 9 का 36। पाई का मान कितना रखना है, 22/7 रखेंगे। पाई का मान कितना रखेंगे यहाँ पर हम, पाई का मान कितना होता है, 22/7 गुणा त्रिज्या R1 का मान कितना है यहाँ पर, 14 है, यहाँ मान रख दिया हमने 14, और घात कितनी यहाँ पर, 2 है, बराबर 1/9 का होगा, 1/9 गुणा 22/7 का कितना होगा, 22/7 गुणा 14 का वर्ग, 14 का वर्ग कितना होता है, 14 × 14 होता है, 14 × 7 = 7 × 2 ऊपर कितना बचा, 22 × 44 गुणा 14 × 14 / 9 = कितना हो गया, 9। अब गुणा करेंगे 14 × 14 कितना होता है, 56 का 6, हासिल का 5, और 14 × 56, 56 × 6 कितना, 56 × 5 कितना जाएगा, 61। चौदह जो 56, 6 हासिल का 5, और 14 × 56, 56 × 5 = 61 बटे में कितना है यहाँ पर, 9। और हमेशा कायम में आएगा ये, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, कायम सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्लियर? ये हमने क्या निकाल ली, हमने बड़े वाले त्रिज्या खंड का यहाँ से लेके यहाँ तक का क्षेत्रफल हमने निकाल लिए। अब हम किसका निकालेंगे, छोटे वाले त्रिज्या खंड ओ सी बी का क्षेत्रफल निकालेंगे।
अब यहां पर हम लिखेंगे तब तथा त्रिज्यखंड, तथा त्रिज्यखंड ओ बी डी का क्षेत्रफल, कोण कितना है यहां पर 40 डिग्री है, कोण होगा 40 डिग्री बटे कितना 360, थीटा बटे 360 पाई। अब छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है 7 है, छोटे वृत्त की त्रिज्या को हमने R2 माने, पाई R2 का वर्ग, यहां पर जाएगा पाई R2 का वर्ग, क्लियर। अब यहां पर हम लिखेंगे त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड OBD का क्षेत्रफल बराबर 40 देखो 0 0 कट गया, 4 एक कम बटे 4 नौ का 36, पाई का मान कितना है यहाँ पर 22/7 और R2 का मान कितना है, R2 का मान यहाँ पर 7 है, R2 की घात 2 मतलब किसकी घात 2, 7 की घात कितनी 2, अब 1/9 का होगा 1/9 गुणा 22/7 का होगा 22/7 गुणा 7 का वर्ग मतलब कि 7 × 7, अब 7 से 7 कट गया, अब 22 × 7 = 14 हासिल का 1 × 7 = 15 22 × 7 = 154 बटे में कितना होता है सिर्फ 9 cm². ये हम देखो हमारे बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना निकल के आया, कितना निकल के आया 616/9 और छोटे वाले त्रिज्यखंड का कितना निकल के आया 154/9। अब बड़े वाले में से हम छोटे वाले का निकाल लेंगे, तब अब लिखेंगे यहाँ पर तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल निकालेंगे हम यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो कैसे निकलेगा त्रिज्यखंड OCD का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड OCD का क्षेत्रफल में से हम क्या घटा देंगे, त्रिज्यखंड OBD का क्षेत्रफल घटा देंगे, त्रिज्यखंड OBD का क्षेत्रफल घटा देंगे। ये सवाल उनको अच्छे समझ में आएंगे जिनने एग्जांपल अच्छे समझे, घर पे जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाकी जिनने प्रैक्टिस नहीं करा उनको दिक्कत जाएगी समझने में, इसलिए बोलता हूँ रोज की गणित रोज करो। हो गया इतना, उतारो जल्दी। छायांकित भाग का निकालेंगे तो बड़ा वाला त्रिज्यखंड OAC के क्षेत्रफल में से OBD का क्षेत्रफल हम कर देंगे घटा देंगे, जल्दी नोट करो। पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड OCD का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड OCD का क्षेत्रफल कितना निकाल के लाए थे हमने 616/9, तो 616/9 माइनस त्रिज्यखंड OBD का क्षेत्रफल कितने निकाले थे हमने 154/9, तो हम मान रख देंगे 154/9, इसका बटे में भी 9, इसके बटे में भी 9, तो लघुत्तम कितना आ गया 9, 616 का 616 माइनस 154 का 154 बराबर 616 में से 154 का कितना बचा 6 में 4 गए 2, 11 में से 5 गए 6, उसके बाद 5 में से 1 गए 4, 462/9, अब काट देंगे 3 से कटेगा 3 1 कम 3, 4 में से 3 का बचा 1, 1 पे 6 16, 3 5 15, 16 में से 15 का बचा 1, 1 पे 12 3 4 12 बटे 3 3 9 cm². ये आ गया आपका आंसर, नीचे लिख लो, अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 154/3 cm² है, नीचे लिखना बराबर है ना, अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल इतना इतना है, लिखो जल्दी।